मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़िया गांव के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति जमा हुए हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है। सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर नंजी प्रसाद के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। SDPO सदर के नेतृत्व में बरियारपुर थानाध्यक्ष के द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने करण कुमार, सिंटू कुमार, विक्रम मंडल, संजीव कुमार और गुलशन कुमार शामिल हैं, सभी पड़िया इलाके के ही रहने वाले हैं। इन अपराधियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में यह स्वीकार किया है कि यह लोग छिनतई और लूट की योजना बनाने के लिए जुटे थे तथा इन समय पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कार्रवाई हुई है? बरियारपुर थाना क्षेत्र से 5 जो छिनतई और लूट की घटना को अंजाम देते थे उन गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। पड़िया गांव जो कि बरियारपुर स्टेशन के पास है, वहां से इनकी गिरफ्तारी की गई है। और सूचना ये मिली थी कि ये छिनतई और लूट की योजना बना रहे थे। पूर्व इनका जो मेन गैंग लीडर है करण, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में जो उसके एसोसिएट्स हैं संजीव, गुलशन, विक्रम मंडल और सिंटू कुमार, और इन लोगों ने जो यहाँ पे कई कांड का मेन ऑपरेशन मेन मॉडस ऑपरेंडी था कि जो ट्रेन में जो ये लूट की घटना को अंजाम देते थे, इसमें से जो करण है उसने 2016 में इसके ऊपर एक सिपाही की भी हत्या जो कि बरियारपुर रेलवे स्टेशन पर ही हुई थी, इसके द्वारा की गई थी। इन लोगों के पास से 2 देसी पिस्टल, 3 गोलियां और 1 मोबाइल को बरामद किया गया है।